दोस्तों स्वागत है आपका। यहाँ पर 21 दिनों का जो लॉकडाउन था वो हो चुका है एक्सटेंड, यानी कि वो जो है 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा चुका है। और इसके बाद क्या होने वाला है आईपीएल 2020 का फ्यूचर, क्या कहा है दोस्तों सौरभ गांगुली ने, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी आईपीएल के फैन कर रहे हैं, आईपीएल 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपको क्या लग रहा है कितने परसेंट चांसेज आईपीएल 2020 के होने के हैं, आप अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। दोस्तों 29 मार्च से आईपीएल 2020 जो है वो एक्चुअल में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पर 15 अप्रैल तक के लिए इसे पोस्टपोन किया गया। आपको बता दें कि नेशनल वाइड 21 दिनों का लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था, जो कि 14 अप्रैल को ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब दोस्तों इस लॉकडाउन को और भी ज़्यादा एक्सटेंड जो है वो कर दिया गया है। कहीं कहाँ जहाँ पर कई राज्यों ने 30 अप्रैल तक इसे बढ़ा दिया है, वहीं पूरे चांसेस हैं कि नेशनल वाइड भी ये लॉकडाउन जो है एक्सटेंड होने वाला है 2 हफ्तों के लिए, यानी कि 30 अप्रैल के लिए। और ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल बना आईपीएल 2020 को लेकर, क्योंकि 15 अप्रैल तक के लिए ये पोस्टपोन था, तो अब क्या है आईपीएल 2020 का फ्यूचर। और इसको लेकर खुद बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने जो है यहाँ पर बयान दे दिया है, उन्होंने अपडेट दे दी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 15 अप्रैल से आईपीएल जो है वो शुरू होने वाला नहीं है, यानी कि जो डेट पोस्टपोन की बड़ी थी वो और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। वहीं उनके बयान से दोस्तों अच्छी खबर जो है वो ये निकल कर आई कि आईपीएल 2020 कैंसिल जो है वो नहीं हुआ है, बीसीसीआई अभी और भी ज्यादा वेट जो है वो करने वाली है। जहां पर उन्होंने कहा कि सिचुएशन के ऊपर लगातार उनकी निगाहें जो है वो बनी हुई है, अभी कुछ भी कहना जो है वो संभव नहीं है, और कहने के लिए है भी क्या, क्योंकि एयरपोर्ट बंद है, लोग जो है वो घर में कैद हैं, ऑफिस जो है वो लॉकडाउन है, और ऐसे में किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो नहीं कराया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एज्यूम भी किया कि कब तक जो है सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि मिड मे तक जो है सभी चीज़ें जो है सामान्य हो सकती हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी कहना जो है वो संभव नहीं है। दोस्तों अगली डेट के बारे में भी उन्होंने अपडेट दी कि जल्द जो है नई डेट की घोषणा की जाएगी, जब बीसीसीआई जो है अपनी अगली मीटिंग करेगी यहाँ पर सभी फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ, जहाँ पर दोस्तों 1 या 2 दिन आज या कल में ही हमें अगली डेट जो है वो मिलने वाली है, जब बीसीसीआई की अगली मीटिंग जो है वो होगी खत्म। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों सौरभ गांगुली ने दी, जहां पर एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर हम कह सकते हैं। अच्छी खबर ये कि आईपीएल कैंसिल नहीं हुआ है, वहीं बुरी खबर ये कि यहां पर और भी ज्यादा पोस्टपोन हमें आईपीएल जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।